हेलो दोस्तों दोस्तों देखिए आज मैं आपको बताऊंगा जुक्की मशीन का कुंडी सेट अमरेला मशीन में कैसे लगाते हैं। ये देखिए हमारे पास अमरेला सिलाई मशीन है, ये देखिए ठीक है दोस्तों, ये अमरेला मशीन है और इसमें मैं आपको बताऊंगा इसका क्या नाम जुक्की मशीन का कुंडी सेट कैसे लगाते हैं। कुंडी सेट है, ये देखिए कुंडी है, ये लिंक है, ये पूरा सेट है। इसको मैं आपको बताऊंगा आसानी से आप अपनी मशीन में कैसे लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये देखिए पिन है, ये पिन को निकाल देंगे और पिन को यहाँ रख देंगे और क्या करेंगे इसका जो है ना ये लिंक खोल देंगे, ठीक है। जैसे क्या नाम हम अमरेला मशीन में कुंडी लगाते हैं, इसको भी ऐसे का दोस्तों इसको खोल लेंगे, ये देखिए ये आसानी से खुल जाएगा, ये पैंच है और लिंक को इसको इसमें जेड में से बाहर निकाल लेंगे, ये देखिए ये आसानी से बाहर आ जाएगा। ये आसानी से बाहर आ जाएगा, ये देखिए बैरिंग होता है इसमें, ये बैरिंग लग के चलता है, ठीक है दोस्तों। और इसको एक साइड में रख देंगे और ये कुंडी देखें, ये कुंडी में भी यहाँ पे बैरिंग होता है, ये देखें ठीक है। ये कुंडी जो है ना कभी भी क्या नाम ख़राब नहीं होती और ना ही कटती, ठीक है दोस्तों। इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, जे लट्टू के पैंच खोल लेंगे जहाँ पर कुंडी लगती है ना, इसको ऐसा करेंगे और यहाँ पर इसके पैंच लूज कर देंगे दोस्तों, ये दोनों पैंच इसके लूज कर देंगे ताकि हमारी कुंडी इसमें आसानी से लग सके, ठीक है दोस्तों। जो जेड का क्या नाम से ये होता है खांचा, ये क्या करेंगे जो पैच होता है ऊपर वाला इसके सामने बिल्कुल अच्छे से टाइट कर देंगे, ये देखो यहाँ पर इसको ऐसे ये क्या नाम लट्टू में धीरे धीरे ऐसे टाइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये देखें ये हम जो है जेड ठोक लेंगे और इसको चला के देखें, मशीन हमारी बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही हल्की हो तो इसको क्या नाम बिल्कुल सामने करके पैच टाइट कर देंगे, ये दोनों पैच टाइट कर देंगे जान लगा के ताकि हमारा जेड घूमे ना, ये दोनों पैच टाइट हो जाएंगे हमारे और मशीन चला के देखेंगे, ये देखें मशीन हमारी बिल्कुल हल्की होनी चाहिए और ऐसे हिलने भी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये देखें अब इसमें तेल डाल देंगे, ये हमने तेल डाल लिया, मशीन हमारी बिल्कुल हल्की है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसकी पिन ठोकेंगे, ये ठीक है दोस्तों इसकी पिन ठोकेंगे। पिन ठोकने के लिए इसमें तेल डाल देंगे, ये तेल लगाएंगे ताकि मशीन हमारी चिकनाहट बना रहे, ये देखें और इसको बिल्कुल ऐसे आसानी से ठोक देंगे, ये देखें और इसका एंड देखेंगे, ये देखेंगे किधर से हल्की हो रही है, ऐसे पेंच कैसे लगा के देखेंगे जिधर से हल्की होगी उधर ही चोट मारते हैं, ये मशीन हमारी ऊपर से हल्की हो रही है तो इसमें ये चोट, ठीक है दोस्तों। इसको ओपन से ऐसे चोट मार देंगे और मशीन अपनी चला के देखेंगे, ठीक है ये मशीन हमारी हल्की हो रही है, फिर देखेंगे ऊपर से हल्की है, फिर चोट लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखें ये मशीन हमारी बिल्कुल हल्की हो चुकी है, ये देखें और कुंडी को हिला के देखेंगे, ये देखें कुंडी बिल्कुल जाम है, ये देखें ऐसे इसको हिला के देखेंगे, ये देखें कुंडी हमारी बिल्कुल बेहतरीन हो चुकी है, अच्छी हो चुकी है, ये देखें और मशीन बिल्कुल हमारी हल्की है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों कुंडी हमारी चल चुकी है, अब क्या करेंगे लिंक सेट चलाएंगे इसका, ये देखें ये कोली है बड़ी, ये छोटी कोली हमने ठोक रखी है, देखें ऊपर से जो इसकी कैप होती है ना ये इसको काटना पड़ता है, ये देखें अगर नहीं काटेंगे तो इसमें हमारा जो है ना लिंक लगेगा नीचे, तो ये हमने पहले काट दिया, ठीक है दोस्तों। इसको लगा लिया, अब जो है ना कोली लगाएंगे, ये ऊपर की कोली और नीचे की कोली जो है ना, ये देखें इसको आसानी से लगा लेंगे और ये लाइन देखेंगे हमारी, ये देखें ठीक है, जहाँ ये हल्की हो ना इसको वहीं ठोक देंगे, ये देखें जैसे ये यहाँ पर हल्की है तो इसको जो है ना यहीं पे ये देखो, तो इसको ऐसे करके इसको ऊपर निकाल लेंगे गज को और इसको कोली को ऐसे, इधर करके ठोक देंगे इसको ताकि हमारी लाइन भी सीधी हो जाए, ठीक है। फिर ऊपर से गज डालेंगे, ये देखेंगे हमारी लाइन, ये देखो ये यहाँ पर अड़ रहा है और इधर से जा रहा है,
ठीक है दोस्तों, जहाँ पर ये अड़ रहा है ना इस पर यहीं पर चोट मार देंगे, छीनी लेंगे और छीनी से इसको अंदर कर देंगे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए हो गई हमारी लाइन बिल्कुल सीधी। ठीक है, ये देखिए ये हमारी बिल्कुल लाइन सीधी हो चुकी है। और ये देखिए एक गज हमारा बिल्कुल हल्का हो गया है। देखो जैसे हम ऊपर छोड़े हैं तो नीचे आ गया, इसका मतलब हमारा गज बिल्कुल हल्का है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए अब इसमें आप जो है ना लिंक सेट लगाएंगे, लिंक लगा के दिखाता हूँ आपको कैसे लगाते हैं। इसको ऊपर कर लेंगे ऐसे ही, यहाँ पर इसको ऊपर रख लेंगे और जो है ना ये लिंक लेंगे और इसमें गज देख लेंगे। ये देखें, ये गज हमारा आसानी से इसमें आना चाहिए। ठीक है, अब जो है ना इसको इसका जो ये होता है इस, ठीक है, इसको यहाँ पर जेड में आसानी से लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको बिल्कुल अंदर कर लेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल हमारा इसमें लिंक लग चुका है। अब क्या करेंगे, ऊपर से गज डालेंगे और इसमें इसके लिंक स्टेड में इसको आसानी से लगा लेंगे। ये देखें, ठीक है, ये देखें इसको ऊपर करेंगे और गज को नीचे करेंगे जितना हमें रखना है। ये देखें, और इसके पैंच को टाइट कर देंगे आसानी से। ये देखें, ये पैंच टाइट हो जाएगा और मशीन को चला के देंगे। ठीक है दोस्त, ये देखें मशीन को चला के देखेंगे, ये हमारा लिंक सेट बिल्कुल अच्छे से लग चुका है। अब क्या करेंगे, इसका जो जेड का पैंच है इसको टाइट कर देंगे, ये आसानी से टाइट हो जाएगा। ठीक है, और मशीन चला के देखेंगे। ये देखें हमारा जेड बिल्कुल अच्छे से लग चुका है। ये देखें, ये लिंक सेट बिल्कुल अच्छे से लग चुका है। कुंडी, और कुंडी में जो है ना ये हमने लिंक आराम से लगा दिया है कोली। ठीक है दोस्तों, ये देखें मशीन हमारी बिल्कुल हल्की है। ये देखें दोस्तों, अगर आप अपनी मशीन में लिंक कुंडी जो है ना झुक्की मशीन की लगाना चाहते हैं, जो मैंने आपको जैसे मैंने आपको लगा के दिखाया ना, आप इसको आसानी से ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों।